कलश बैंक बनाने के पीछे उद्देश्य और इसका विचार तब आया जब यहाँ विद्युत शवदाह गृह में जो लोग अपने परिजनों का शवदाह करते हैं तो जो अस्थियाँ बचती हैं, कई बार परिजन चाहते हैं कि उसको हम 10 या 15 दिन बाद लेकर जाएं, तो ऐसी स्थिति में उनकी अस्थियों को रखने का कोई स्थान नहीं था, बड़ी परेशानी होती थी रखने वालों को। और जो बाहर जो लोग कराते हैं उनके लिए तो जो पंडे कराते हैं वो लोग रख लेते हैं, लेकिन जिन्होंने विद्युत शवदाह गृह में कराया उनके लिए बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक ये रहती है कि वो अपनी अस्थियाँ कहाँ रखें, बाहर वाले भी नहीं रखते हैं। इस समस्या को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि अगर यहीं पर एक अस्थियों के रखने का बैंक बना दिया जाए, अस्थि कलश बैंक बना दिया जाए, तो जो यहाँ पर विद्युत शवदाह कराते हैं उनके आने वालों की संख्या में वृद्धि होगी, विद्युत शवदाह करने वालों को प्रेरणा मिलेगी और लोग अपने पुरखों की अस्थियों को 10 दिन 15 दिन 20 दिन सुरक्षित यहाँ पर रख सकेंगे। इसी विचार को लेकर ये दिसंबर 2014 में हमने ये अस्थि कलश बैंक यहाँ पर स्थापित किया और इस अस्थि कलश बैंक में लोग अपने परिजनों की अस्थियां रख देते हैं, उन्हें कार्ड दे दिया जाता है, लॉकर नंबर होता है और उस कार्ड को दिखाकर 30 दिन के भीतर वे परिजन अपने इस अस्थि कलश बैंक से निःशुल्क वो अस्थियां प्राप्त कर सकते हैं। 30 दिन के बाद जो बैंक प्रबंधन है, जो हम लोग हैं, हम सारे लोग मिलकर इन अस्थियों को भू विसर्जन कर देते हैं। ये इसका एक दूसरा बड़ा अहम पहलू है कि हम इन अस्थियों का भू विसर्जन भी करते हैं, सारी मूढ़ मान्यताओं को तोड़ते हुए, रूढ़ परंपराओं को तोड़ते हुए हम इन अस्थियों का भू विसर्जन करके संदेश भी देना चाहते हैं कि हम अपने जल स्रोतों को गंदा कर रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, माँ गंगा को गंदा कर रहे हैं। उसमें एक छोटा सा ही कि प्रयास है कि हम अस्थियों को क्यों ना माँ गंगा के किनारे गड्ढा खोद कर दफन करें, उनको वहाँ पर दबा दें। जब हम संतों की भू समाधि दे सकते हैं, जब हम गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों का भू विसर्जन कर सकते हैं, तो हम अस्थियों का भी भू विसर्जन कर सकते हैं। देखिए, ये सराहनीय प्रयास है। हम लोग का मानना है ये कि तमाम सामाजिक कुरीतियाँ हमारे समाज में ऐसी हैं जिनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। और जैसा कि आपको जानकारी होगी कि इस अस्थि कलश बैंक में 900 से 1000 अस्थियाँ प्रति वर्ष यहाँ आती हैं, पर हम लोग का प्रयास रहता है कि उन लोगों को यह बताने का प्रयास करें कि गंगा हमारी माँ है, इसमें किसी भी प्रकार की हम गंदगी ऐसी ना फैलाएं। अगर वो मान जाते हैं तो हम भू विसर्जन उनका कराते हैं। और हमारा ये प्रयास है कि पहले भी हमारी गंगा देव दीपावली समिति ने गंगा के किनारे जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करने का प्रयास किया है और भू विसर्जन भी हमारे ही प्रयास से मूर्तियों का शुरू हुआ है।